आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे बहुत ही आसान तरीके से सॉफ्ट और जूसी चिकन सीख कबाब कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले 250 ग्राम बोनलेस चिकन का कीमा लेंगे। अगर आपको बाजार में कीमा नहीं मिल रहा है तो आप फूड प्रोसेसर में भी बोनलेस चिकन से कीमा बना सकते हैं। अब इस चिकन में 1/2 टीस्पून नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी, 2 टीस्पून चॉप्ड प्याज, धनिया पत्ता और 1 टेबलस्पून बेसन लेके अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं लहसुन डालना भूल गई थी, इसीलिए 1 टीस्पून चॉप्ड लहसुन भी यहाँ डाला है और फिर इसे अच्छे से मिलाया है। हथेली में घी या बटर लगाइए और लगभग 2 से 3 टेबलस्पून इस मिक्सचर को लेके इस तरह से फ्लैट करेंगे। अब एक मोटे स्ट्रॉ की हेल्प से इसे शेप देंगे। इसे इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए सिलिंड्रिकल शेप दीजिए। जब प्रॉपर शेप बन जाए तो आराम से धीरे धीरे स्ट्रॉ को बाहर निकालना है। अब इसी तरह से सारे कबाब रेडी कर लेंगे। एक पैन में 2 टेबलस्पून बटर गरम करके कबाब को डालिए और मीडियम फ्लेम पे कुक कीजिए। इसे कुक करने के लिए पहले 2 मिनट बिना ढके पकाएंगे और फिर इसे पलट कर ढक कर पकाएंगे। इसे पकने में लगभग 10 से 12 मिनट लगता है। बीच बीच में इसे पलटते रहना है और जब ये सारे तरफ से पक जाए तो ये रेडी हो जाएगा। है ना ये चिकन सीख कबाब की सबसे आसान रेसिपी। इस कबाब को आप एज ए स्नैक किसी भी पार्टी या स्पेशल ओकेजन में चटनी या अनियन रिंग्स के साथ सर्व कर सकते हैं।